गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम आकाश अग्रहरि, केमिस्ट ट्राई बाय आकाश सर। हम आपको फिर से वेलकम करते हैं हमारे अपने चैनल पे, जहां मैं फ्री कॉस्ट आपको यूनिट्स फर्स्ट बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट फर्स्ट का पूरा टोटल जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उसका सब कुछ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, सबके बारे में हमें एक साथ आपको समराइज करके क्या करता हूँ, एक वीडियो में एक यूनिट को देता हूँ। टोटल मैं 8 वीडियो डालूंगा और टोटल 8 वीडियो में एक वीडियो मतलब एक यूनिट, और 8 यूनिट है तो 8 वीडियो पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के। तो हमारा यूनिट जो फर्स्ट है वो स्पेशली किसके लिए है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड उसका क्लासिफिकेशन, तो हम पहला या वर्ड याद करते हैं मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है क्या, हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते क्या है। और कार्बोहाइड्रेट आपको भी पता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी ऑफ प्राइमरी, ठीक है, प्रोडक्ट बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे पास स्पेशली क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, और ये प्राकृतिक नेचुरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्टिंग में आप लोग जानते होंगे केन शुगर आप यूज करते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, ठीक है, मैनोज, राइबिनोज, ठीक है, जो डीएनए जो हमारा होता है, आरएनए जो होता है, उसमें भी हमारा पेंटा शुगर यूज होते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी फ्यूल, इट इज़ ए वन ऑफ द एनर्जी फ्यूल, ये भी एक एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। हम पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या, वॉट इज कार्बोहाइड्रेट। इन द स्टार्टिंग इन जनरल फार्मूला अगर हम बात किया जाए, जनरल फार्मूला CnH2O का होल एन, इन जनरल फार्मूला दैट कंपाउंड विच आर फिक्स्ड इन दिस फार्मूला, जो भी ठीक है कंपाउंड इस फार्मूला के ऊपर क्या हो जाता था, फिट हो जाता था, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे। बट इट इज ए अर्लियर स्टेज पर, स्टार्टिंग में ऐसे कर, तब मैंने जब देखा कि अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 6 रख दिया जाए तो ये फार्मूला हो जाता था C6H12O6। दिस इज अ फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, या इसी को हम आप कह सकते हैं, ये फ्रक्टोज भी इसे कह सकते हैं आप लोग हैं। तो ये क्या है, हमारा ग्लूकोज का एक फार्मूला है। तो मतलब ये फार्मूला पे क्या हुआ, फिट हो गया, मतलब दोज कंपाउंड विच आर फिट फिट इन दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला के ऊपर क्या हो जाता है, फिट हो जाता था, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे। फिर मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, ये अर्लियर स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेट में इनको ऐसा डिफिनेशन दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स आए जो इस फार्मूला पे तो फिट हो गए, ठीक है, बात यहाँ समझिएगा मैंने क्या बोला, वो ये फार्मूले पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिट हो जाता था, जो कंपाउंड फिट हो जाता था, उसे सब लोग कार्बोहाइड्रेट कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे कंपाउंड देखे गए, कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड थे जिनको देखा गया, और देखने के बाद पता चला कि क्या हुआ कि वो इस फार्मूले में फिट नहीं थे, वो क्या थे, इस फार्मूले में फिट नहीं थे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जो फिट थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं आई टेक एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड, फार्मूला आप लोग जानते होंगे CH3COOH, ये क्या है, एक एसिटिक एसिड हमारा है, क्या है, एसिटिक एसिड। जब आप इसका फार्मूला निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या है, C2H4O2, इट्स मीन यहाँ पे हमारा N बराबर क्या आ जा रहा है, 2। अगर हम यही जो फार्मूला लोग लगाए थे CnH2O का होल N में, अगर हम N बराबर 2 रख दिया जाए तो ये फार्मूला का फार्मूला, इस फार्मूले से हम एक फार्मूला निकाल लिए क्या, C2H4O2, इट्स मीन जो एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर फार्मूला है वो इस फार्मूले से क्या हो रहा है, फिट हो जा रहा है। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में कहा गया था कि वह कंपाउंड जो इस फार्मूले के ऊपर क्या हो जाए, फिट हो जाए, तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और मैंने जब देखा एग्जांपल कि जो एसिटिक एसिड था वो इस फार्मूले पे क्या हो गया,
फिट हो गया। इस फार्मूले पे क्या हो गया, फिट हो गया। जब ये फिट हो गया इसका मतलब, अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मतलब कि जो हमारा एसिटिक एसिड है जिसे हम सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बट हम जानते हैं ये तो एक एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट कोई एसिडिक होता नहीं, ये एक एसिडिक एसिड है। तो दैट्स वाई इसका मतलब ये फार्मूला इसके ऊपर सूटेबल नहीं था। इसका मतलब एक और रीज़न निकल गया कि ज़रूरी नहीं है कि इस फार्मूले पे जो फिट हो जाए वो कार्बोहाइड्रेट हो। फिर कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखा गया, जैसे मैंने बाप को एग्जांपल एक देता हूँ, ठीक है, रैविनोज, किसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रैमनोज का, सॉरी, ठीक है, रैमनोज, जिसका फार्मूला हमारा होता है C6H12O5। अगर हम देखा जाए यहाँ पे जो हमारा फार्मूला निकाला गया था CH2O6N, कहा गया था इस फार्मूले पे जो कंपाउंड फिट हो जाए तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे। लेकिन यहाँ पे देखा गया क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस फार्मूले पे इसका वैल्यू फिट नहीं हुआ ये। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज एक मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेरी बात सबको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा जो फार्मूला का कॉन्सेप्ट था ये क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। इन्होंने उस अच्छे से वेल डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन नहीं दिया। तो बाद में क्या हुआ, तब उसके बाद अब सब लोग सोचने लगे कि अरे यार हुआ क्या, तब मतलब माइंड अप सेटअप होने लगा कि यार ये क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तब ठीक है, फिर बाद में फिर आदमी आया, तब केमिकली, अब केमिकली डिफिनेशन दिया गया, केमिकली इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा था क्या, कार्बोहाइड्रेट्स पर ध्यान दीजिए, कुछ टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा क्या, कार्बोहाइड्रेट वे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी हो, क्या हो जाए, पॉलीहाइड्रॉक्सी होना चाहिए, पॉलीहाइड्रॉक्सी ग्रुप होना चाहिए, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मतलब ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है, या ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ऑप्टिकली एक्टिव के साथ साथ उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या किसी हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप ऐसा प्रोडक्ट बनाए, मतलब द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये पाया नहीं जा रहा, लेकिन उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऐसा वो कंडीशन रख सकता है, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, मल्टोज हुआ, इनको जब ब्रेक करेंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये छोटे छोटे मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं, मोनोमर से बने होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और उनके अंदर पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब बहुत सारे हाइड्रॉक्सी ग्रुप होते हैं, या तो उसमें एल्डिहाइड होगा या तो एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ऐसे को हम उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, केमिकली डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन दिया गया। इसका मतलब अगर हम कहें क्या, केमिकली वी आर डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो मैंने क्या बोला, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन, या हम और एक डिफिनेशन दे, द कंपाउंड क्या है, ऐसा प्रोड्यूस भी करे, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस such units on hydrolysis। अब ऐसा या तो hydrolysis के फलस्वरूप ऐसा compound वो बना ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, this is the carbohydrate, ये हमारा carbohydrate कहलाएगा।
मेरी बात सभी सभी को समझ आएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उसको और अच्छे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूंगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बात करूँगा, जैसे आप अगर एग्जांपल में बात करें C6H12O6, मैं ग्लूकोज का एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। आई हैव अ मोर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं बात करूँ ग्लूकोज का, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। तो मैं कहा कि जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन के साथ OH यहाँ, लेकिन जो तीसरा कार्बन होता है वो क्या होता है, OH की साइड हमारा होता है, OH हमारा, ठीक है, लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। और यहाँ हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा ये H, और ये हो जाएगा H, फिर ये H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखा जाए, अगर इसको मैं बात करूं ध्यान से देखने के लिए बोलूं, तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन ये आया, चलो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डिफिनेशन आपने बोला भी, ठीक है, डिफिनेशन जब बोला आपने तो आपने पहला क्या बोला, पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे आकाश सर हमें कैसे पता चला कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो कंपाउंड, ठीक है, मस्ट, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ, या कह सकते मस्ट बी काइरल, उसके पास काइरल कार्बन होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ काइरल कार्बन, मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ काइरल कार्बन, यहां मैं प्रेजेंट ऑफ काइरल कार्बन, प्रेजेंट ऑफ काइरल कार्बन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आया काइरल कार्बन क्या होता है, तो मैंने कहा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। कितना होता है कार्बन की वैलेंसी, देयर आर फोर कार्बन, कार्बन की वैलेंसी होती है फोर। कैसे होता है, तो मैंने कहा 2, 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसीलिए इसका बॉन्ड कितना बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा, तो चार बॉन्ड बनाता है। और जब चार बॉन्ड बनाता है तो चारों बॉन्ड, अगर मैंने कहा अगर चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, क्या हो, ठीक है, इफ ऑल द फोर वैलेंसी आर एडेड बाय अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ काइरल कार्बन एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड द काइरल सेंटर। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ग्रुप पी है, क्यू है, आर है और एस है, तो ये पी क्यू आर एस क्या है, तो मैंने कहा ये पी क्यू आर एस एक अलग अलग ग्रुप है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे कार्बन को हम कहते हैं काइरल कार्बन, ऐसे को क्या बोलेंगे, काइरल कार्बन कहते हैं। और जिसके पास काइरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों, वो ऑप्टिकली वो एक्टिव कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। चलो अब हम देख एग्जांपल के साथ यहाँ देखते हैं, पहले कार्बन पर अगर हम देखेंगे तो पहले कार्बन पर देखिए, उस कार्बन का एक वैलेंसी क्या, कार्बन तो चार बॉन्ड बनाया है लेकिन एक वैलेंसी, एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और जो एक बॉन्ड है ये पूरा कम से कम 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और लेकिन इसका जो दो बॉन्ड है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब एक ही ऑक्सीजन से इसके दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि इसकी दो वैलेंसी एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये काइरल कार्बन नहीं कहलाता है। जो काइरल कार्बन नहीं कहलाएगा उसे हम ए काइरल कहते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है, कह सकते हैं अब्सेंट, अब्सेंट ऑफ काइरल सेंटर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ए काइरल, उसे हम क्या बोलेंगे, ए काइरल कार्बन कहते हैं। अब हम यहां ध्यान दीजिएगा कि तो इसका मतलब ये क्या है, ए काइरल, तो जो ए काइरल उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं कार्बन नंबर 2 पे, जब कार्बन नंबर 2 पे आएंगे तो हमने इसका देखो आपको मैं अलग अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, कार्बन जो है चार बॉन्ड बनाया है कि नहीं, 1, 2, 3, 4 चार बॉन्ड बनाया है। जब चार बॉन्ड बनाया है तो अब मैं कहूंगा क्या, इसका देखो एक बॉन्ड किससे जुड़ा है, OH, और एक बॉन्ड किससे जुड़ा है, H, और एक बॉन्ड किससे, एल्डिहाइड ग्रुप CHO से, और एक बॉन्ड ये देखो चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, चार कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब चारों क्या है, अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इट्स मीन ये क्या है, तब ये काइरल सेंटर कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा काइरल सेंटर कहलाता है। और जो काइरल सेंटर होते हैं हम उसको स्टार से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, स्टार से दिखाते हैं। उसी तरह बच्चों कार्बन नंबर अगर सेकेंड पे आए, अगर हम कार्बन सेकेंड को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर हम कार्बन किसको देखेंगे,
सेकेंड को अगर देखा जाए, सॉरी थर्ड कार्बन को देखा जाए, तो जो थर्ड कार्बन है उसको अगर अच्छे से ऐसे गोला करके देखिए, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है और दूसरा ये देखो दो कार्बन के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा है और यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, हमारा कायरल सेंटर है, ये भी हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। जब ये कायरल सेंटर है तो इसको भी हम किससे दिखाएंगे, स्टार से बनाते हैं। तो इसी तरह चौथा भी क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, पांचवा भी उसी तरह क्या होगा, कायरल सेंटर होंगे, लेकिन जो छठवां है वो कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एक साइड OH ग्रुप है और दो साइड हमारा दो बॉन्ड कार्बन का क्या है, सेम एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ये एक कायरल कंपाउंड है। इसकी चारों बॉन्ड क्या है, अलग अलग ग्रुप से जुड़ा नहीं है, जिसमें से दो सेम हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आपका पहला सेटिस्फैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, आपने रूल के हिसाब से बताया था कि कंपाउंड्स को क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। देखिए एक भी कंपाउंड में एक भी कायरल आ जाएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। दूसरा आपने उसमें शर्त लगाया था क्या, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप, दो या तीन चार पांच, ओ माई गॉड, यहाँ पांच हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा पाया जा रहा है। इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्साइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। और तीसरा आपने बोला था वो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोनिक ग्रुप। तो मैंने देखी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमारा है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम इसे कहेंगे क्या, ये क्या है ऑप्टिकली, ये क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। समझ आ रहा मेरे बच्चों। अब देखिए मैं दूसरा इसी तरह एग्जांपल आपको एक ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दे देंगे क्या OH, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये OH, यहाँ हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा हमारा OH लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H। अगर यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे भी क्या हम बात करेंगे, अगर यहाँ मैं पहला बात करूँगा क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो मैंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको चाहिए कायरल सेंटर। क्या ये कायरल सेंटर है, तब कहेंगे नहीं, क्योंकि दो बॉन्ड इसका हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। क्या ये कायरल, ये भी कायरल नहीं, लेकिन ये कायरल हमारा कहलाएगा, ये भी हमारा कायरल सेंटर कहलाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, कायरल सेंटर, लेकिन ये कायरल नहीं होगा। इसका मतलब तीन कायरल सेंटर है, अगर एक भी कायरल आ जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी में देखेंगे तो एक OH, दो OH, तीन चार पाँच, इसका मतलब इसमें क्या है, फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है, फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें देख लो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा, इसे क्या बोलते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप पाया जा रहा है। जब कीटोनिक ग्रुप पाया जा रहा है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। समझ आ रहा है बच्चों, ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, फ्रक्टोज कंपाउंड्स होता है। बात यहां तक समझ आ रहा है। अब ये हमारा देखिए ये एग्जांपल कुछ थे, अब जैसे अभी आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दे रहा हूं, आप खुद करके दिखाइएगा। जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, फिर मैंने आपको दिखा दिया ओ एच, ओ एच, ओ एच, और ये सी एच टू ओ एच, फिशर प्रोजेक्शन में। अभी मैं फिशर आपको बताऊंगा कि फिशर क्या होता है, ठीक है। ये इसका नाम है क्या, डी राइबोज, इसका नाम क्या है, डी राइबोज होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, फिर अगर मैंने इसको क्या किया, ऐसे दे दिया आपको, ये एच, ये ओ एच, ये ओ एच, एच एच, ये सी एच टू ओ एच, इसे कहेंगे हम डी एरोविनोज, एरोविनोज, क्या हो जाएगा, डी एरोविनोज। ये भी क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप है, कायरल सेंटर है, ठीक है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन कायरल सेंटर हैं, और एक हाइड्रोक्सी नहीं, हमारा एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप भी है।
तो ठीक है, तो ये हमारा बच्चों था क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये कार्बोहाइड्रेट तो हम जब पढ़ लेते हैं तो ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं, लेकिन सम कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट्स, ठीक है, सम कार्बोहाइड्रेट विच आर द स्वीट इन टेस्ट, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उन्हें हम सुगर कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुगर कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट्स इन टेस्ट, जो स्वीट टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुगर, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, सुगर कहते हैं, ठीक है, सुगर्स कहते हैं। तो कहते हैं द मोस्ट ऑफ द कॉमन, अगर हम एग्जाम्पल में बात करें ज़्यादा मोस्टली जो कॉमन हमारे सुगर्स यूज होते हैं, ठीक है, आपको बताया, आप बताए सुक्रोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रैक्टोज हुआ, एट्सेट्रा, ये सब हमारे क्या कराएंगे, ये हमारे सब, ठीक है, एक एग्जाम्पल है किसके, ऐसा सुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सम, ठीक है, उनको हम नॉन सुगर तो बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, सेल्युलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सुगर होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं क्या, दैट सुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में पाए जाते हैं, तो जो मिल्क में पाए जाते हैं उससे क्या बोलते हैं हम, उसे कहते हैं, ठीक है, लैक्टोज, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग जब डब्बे, वो दूध वाला डब्बा एक ठो खरीदते हैं पाउडर फॉर्म वाला, तो उसे कहते हैं लैक्टोजन, मतलब कि उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाँ ठीक है, लैक्टोज मिल्क, ठीक है। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे ग्रेप्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारा ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, ग्लूकोज, हनी में पाया जाता है कौन, ग्लूकोज, हनी शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को ही कहा जाता है। अब हम देखिए थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे जो एप्पल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं वो फ्रैक्टोज पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या पाए जाते हैं हमारे, फ्रैक्टोज पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट मैंने जिसको आपको बताया था, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे किचन में भी यूज होता है, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग दूध में डाल के खाते हैं मिठास के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्या, सुक्रोज, क्या बोलेंगे उसको, सुक्रोज। तो ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट थे। अब थोड़ा सा बात बता दें, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग में, जैसे हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट्स वो मीठे होते हैं, जो मीठा स्वाद में मिठास होता है जिसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सुक्रोज सुगर कहते हैं, ठीक है, उसे हम सुगर कह देते हैं। लेकिन जो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे मैंने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बात किया, समझ आ रहा है बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब हम बात करें क्या, हम कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर Also called saccharides, 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 ठीक है, जिसका ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक अगर मीनिंग बात करें, जो बना हुआ है किससे, सैक्रॉन्स मीन होता है क्या, शुगर, इसका मतलब क्या होता है, शुगर, सैक्रॉन्स का मतलब क्या होता है, शुगर, मतलब कि शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं किसके द्वारा, सैक्राइड्स। और इसी सैक्राइड्स के बेसिस पे, इसी सैक्राइड्स के वजह से हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ते हुए हैं।
बात समझे, क्लासिफिकेशन वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी आप ये अभी तक जितना मैंने कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया, अब मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जानते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये वन शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट को एकदम कम्प्लीटली लर्न कर सकते हैं। ना आपको ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा, ना कुछ ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ इस वीडियो को ही एनफ पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी आपके लिए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन जो हमारा मेन टॉपिक सब स्टार्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब आपको पता है क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है क्या, बहुत सारे वैरायटी पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो किसके बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं वो मैटर पहले देगा। तो मैं पहला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पहला क्या है, तो वो मैं कहूंगा क्या, द क्लासिफिकेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में अगर हम क्लासिफाइड करें कार्बोहाइड्रेट्स तो हम कहेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ थ्री टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैव थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया, कितने टोटली होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो को थोड़ा सा अपने कैमरे को थोड़ा सा, ठीक है, ऑफ करता हूँ जिसके कारण आपको थोड़ा सा स्क्रीन अच्छे से दिखे। पहला जो हमारा होता है वो होता है मोनोसैक्राइड्स, क्या नाम है उसका, मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हमारा पढ़ना है ओलिगोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, फिर लास्ट जो पढ़ना है वो है हमारा पॉलीसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स किसे कहते हैं। मतलब बच्चों हमारा अगर हम बात करें कि ठीक है जो हमारा पर्पज़ है, ठीक है, आपको पढ़ाने का, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब जो हमारा क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग देख रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे क्या मोनोसैक्राइड्स, फिर उसके बाद में बात किया आपसे क्या डाईसैक्राइड, सॉरी ओलिगोसैक्राइड्स, और तीसरा जो हमारा है वो है पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ध्यान देना मैं किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूँ, हो सके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी रिलेटेड आए। तो क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड अपॉन द, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने पहला स्टार्ट किया, तो पहला जो हमारा पहला जो टॉपिक से रिलेटेड पहला जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है क्या, मोनो सैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो नाम ही मोनोसैक्राइड्स, मतलब जिसमें एक शुगर हो, एक है, नाम तो देखिए खुद है, अब जो एक है उसको आप तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टूटेगा नहीं, मतलब ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट, मतलब ए कार्बोहाइड्रेट डेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइट्स फर्दर टू गिव अ यूनिट या सिंपल यूनिट ऑफ ए, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब एक ऐसा, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट, ए कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी सिंपल या कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो बच्चों, तो वो हमारा कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स, मतलब ऐसे मोनोसैक्राइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनको हम फर्दर सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं,
सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड द मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स हम बात करें, देर आर अबाउट ट्वेंटी मोनोसैक्राइड्स आर नोन। जो हमारा मोनोसैक्राइड्स होता है, कम से कम हमको हमारे पास अभी जानकारी में कितने हैं, वो है 20 मोनोसैक्राइड्स आर द फॉर्म। लेकिन हम एग्जांपल स्पेशली किसका लेके चल रहे हैं, जैसे हम लोग को जो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है, ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात किया क्या GFR, ठीक है, रमेश का क्या GF, GF का मतलब होता है क्या, जी फॉर होता है ग्लूकोज, एफ फॉर बात करेंगे क्या फ्रक्टोज, आर के बारे में बात करेंगे राइबोज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है, पढ़ लेंगे आप डीएनए में भी डी ऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले को लेके आके आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे रहा, तो मैं बात क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, रेबिनोज, ठीक है, ग्लैक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है, ये हमारे एक सिंपलेस्ट, ठीक है, मोनोसैक्राइड्स के कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। मेरी बात सबको समझ आ रहा है। अब हम दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरा जो मेरा दूसरा क्लासिफिकेशन था उसका नाम था क्या, ओलिगो सैकेराइड्स। इसका नाम क्या है, ओलिगो सैकेराइड्स कहते हैं। अब ओलिगो सैकेराइड्स में अगर हम बात करें, तो ओलिगो सैकेराइड्स हम किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हम उसको तोड़ेंगे, तो वो टूट जाता है किसमें, दो, टू टू टेन, मतलब दो या दो से दस के बीच में ही क्या करता है, वो मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं। मतलब ए कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू टू टेन मोनोसैकेराइड्स, टू टू टेन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। बात यहाँ तक समझ आ रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बात किया क्या, सुक्रोज, मल्टोज, तो ये सब क्या है, सुक्रोज जो है, मल्टोज क्या है, ये ऐसे कंपाउंड है जिनको तोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा अगर हम सुक्रोज को तोड़ रहे हैं तो जी प्लस एफ मतलब जी एफ बनाएगा, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा, मल्टोज को तोड़ेंगे तो जी प्लस जी बनेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करते हैं। बात यहाँ तक समझ आ रहा है। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दो से या दस के बीच में मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। बात समझ आ रहा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक एवलोरेटेड कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए और डीपली लेके चला जाए। जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है, ये ओलिगो जो सैकेराइड्स होते हैं, ये फर्दर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग बट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब मोनोसैकेराइड्स के डिपेंड्स के बेसिस पे ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फर्दर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मान ली कोई ऐसा ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसा ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगो एक ऐसा सैकेराइड्स है जो जिसमें क्या हो, टू मोनोसैकेराइड्स क्या हो, प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे को उन्होंने कह दिया क्या, तो ऐसे कंपाउंड उन्होंने बोला डाइसैकेराइड्स।
उन्होंने बोला है उसको क्या, उन्होंने उसका नाम दे दिया डाइसैकेराइड्स। कुछ ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिसमें 3 मोनोसैकेराइड्स मिले, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। कुछ ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स थे जिनको तोड़ा गया और उसमें 4 मोनोसैकेराइड्स बना, तो उसे कहा टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, उन्होंने उसको टेट्रासैकेराइड्स कहा। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो 5 से बने थे, उसे पेंटासैकेराइड्स, 6 थे तो हेक्सासैकेराइड्स, 8 थे तो ऑक्टासैकेराइड्स, 9 थे ठीक है नोनासैकेराइड्स, और 10 थे तो डेक्सैकेराइड्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया था। और हमको पढ़ना है क्या, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन कभी पूछ देता है व्हाट इज द डाइसैकेराइड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो मैं कहूंगा डाइसैकेराइड इज ए ओलिगोसैकेराइड, इट इज दैट ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच फर्दर हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म अ 2 मोनोसैकेराइड्स। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वो डाइसैकेराइड्स क्या होता है, तो डाइसैकेराइड हम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे डाइसैकेराइड ठीक है इट इज ए ओलिगोसैकेराइड। ये क्या है, एक ओलिगोसैकेराइड्स है, ये क्या है एक ओलिगोसैकेराइड्स। फिर हम कहेंगे क्या, दैट ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसा ओलिगोसैकेराइड विच आर फर्दर हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म अ 2 मोनोसैकेराइड्स। मतलब ये क्या है, दैट ओलिगोसैकेराइड्स विच आर प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जो 2 मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स, उसे हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जांपल के रूप में बात किया, जैसे मैंने बात किया एग्जांपल में क्या, सुक्रोज क्या है, एक ओलिगोसैकेराइड है, जिसको हम जब हाइड्रोलिसिस कराया तो इसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और फ्रैक्टोज बनाया। और आपको ही पता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक मोनोसैकेराइड्स हैं, तो इसने क्या किया, 2 मोनोसैकेराइड्स बनाया कि नहीं, इसने 2 मोनोसैकेराइड्स बनाया। फिर जैसे मैंने बात किया आपको क्या, मल्टोज का हाइड्रोलिसिस जब मैंने किया तो इसमें हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हमारा क्या बना, हमारा कितने टाइप्स का बन गया, हमारा मोनोसैकेराइड्स बन गए। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स बना कि नहीं। और तीसरा अगर हम बात करें, जो हमारा इंपॉर्टेंट इसका भी है, ठीक है, अगर हम बात करें तीसरा जो हमारा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया क्या, लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड्स है, जिसको तोड़ोगे तो बनेगा क्या तुम्हारा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, ग्लैक्टोज बनता है। और इसका तुम्हें क्या पढ़ना है, आप लोग को इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इनका कैसा बॉन्डिंग बना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, उसके बारे में और डीपली हम लोग अंदर बात करेंगे। ओके बच्चों, अब हम देखिए नेक्स्ट हम जो बात करना जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसका है वो है पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो आपको ही पता है ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस किया जाए और क्या किया जाए, 1 से ज़्यादा, मतलब 2 या 10 से क्या, 10 10 टू मोर, मतलब 10 से ज़्यादा क्या करें, मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। मतलब जो 10 से ज़्यादा, जैसे अभी 2 to 10 कहा गया था, पॉलीसैकेराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, जिनके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर यूनिट प्राप्त हो रहा है तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। मतलब ए कार्बोहाइड्रेट, अगर इसका डिफिनेशन देंगे तो ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू लार्ज
नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स मतलब याद रखना, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसैक्राइड्स, मोर देन 10 मोनोसैक्राइड्स, ठीक है, बात समझ गया। नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स अगर यूनिट, ठीक है, अगर यूनिट्स प्राप्त हो रहा है तो उसे कहेंगे क्या, कॉल्ड पॉलीसैक्राइड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं, क्या बोलेंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे स्टार्च के बारे में बात करेंगे, फिर सेल्युलोज, फिर ग्लाइकोजन और जेम्स इट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहलाते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहलाते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है सबको? तो ये मेरा कहने का मतलब क्या है, ये अभी हमने आपको पढ़ाया क्या, क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया अभी तक। तो जितना मैंने आपको इसमें नोट्स भी दे दिया है, आप वीडियो को स्टॉप करके रोक के अच्छे से नोट्स बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ठीक है, पॉलीसैक्राइड्स। आपको मैं बता दिया, पॉली जो सैक्राइड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वीटलेस इन टेस्ट होते हैं, उनका कोई मिठास होता नहीं है। दे आल्सो कॉल्ड, उनको और दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, नॉन सुगर। तो बच्चों यहां ध्यान देना, तो हम एक कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुगर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो टाइप्स को हो गए कि नहीं हो गए, एक सुगर होगा और दूसरा नॉन सुगर। तो हम कह सकते हैं क्या, सुगर कौन होंगे, जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, ठीक है, और नॉन सुगर कौन होते हैं, जो स्वीट लेस्ट होते हैं, या ठीक है, जो जिसका कोई स्वाद नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, मीठा नहीं होंगे, और दूसरा ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल पाए जाते हैं। तो मैंने आपको सुगर और नॉन सुगर का भी बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का बताया। अब एक इसका लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, जो आपके किताबों में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो तो एकदम रामबाण की तरह है। तो बात क्या है, रिड्यूसिंग्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। अब कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन भी किया गया है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर के ऊपर भी, ठीक है, क्लासिफिकेशंस में भी क्लासिफाइड आइदर अ रिड्यूसिंग और ठीक है नॉन रिड्यूसिंग सुगर। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सुगर को क्लासिफाइड भी किया गया, कार्बोहाइड्रेट को मैं बता रहा हूं भाई लोग, ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर के ऊपर बात किया जाए कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब रिड्यूसिंग क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, अब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या, अगर यहां से मैं कराऊं, ठीक है, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स Which reduce failing solution and toluene reagent are referred to reducing sugar. मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग
सोल्यूशन को और टॉलरेंट रिएजेंट को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, रिड्यूस कर देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग सुगर या सुगर कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको रीजन इसका बता दूं, ठीक है। बिकॉज जो फंक्शनल ग्रुप होता है, बिकॉज इन दिस केस, इन द केस ऑफ द रिड्यूसिंग सुगर, इन द केस ऑफ, क्यों, रीजन क्या है, रीजन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजन के साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ रिड्यूसिंग सुगर, रिड्यूसिंग सुगर द फंक्शनल ग्रुप्स आर द फ्री स्टेट्स, रिड्यूसिंग सुगर, जस्ट रिड्यूसिंग, इन द केस ऑफ द रिड्यूसिंग सुगर द फंक्शनल ग्रुप, जो इनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन वाली बात कर रहा हूं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स आर फ्री, इसीलिए क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग सुगर का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऑल द मोनोसेक्राइड, जितने भी है मोनोसेक्राइड, वेदर, ठीक है, वॉट एवर इट हैव अ कीटोनिक ग्रुप, भले वो कीटोन्स ग्रुप रखे रहते हैं, लेकिन वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग सुगर्स कहते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर फ्रक्टोज के पास कीटोन है, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन जब पढ़े हैं तो कीटोन क्या होता है, टॉलरेंट रिएजेंट देता नहीं है टेस्ट, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में बात करता है रिड्यूसिंग के बारे में। तो फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंट रिएजेंट जो क्या करते हैं, ये लोग जो है दो, तो ये क्या करते हैं, अगर उनके पास फ्री ग्रुप बैठा हुआ है, फ्री स्टेज में ग्रुप है, तो वो क्या करता है, उनको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, हम जिसे कीटोज हो या एल्डोज हो, ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, ठीक है, वेदर एल्डोज हो या कीटोज हो, रिड्यूसिंग सुगर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, अब दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे भी है, दूसरा अगर हम बात करूं, दूसरा हमारा क्या था, नॉन रिड्यूसिंग सुगर, नॉन रिड्यूसिंग सुगर, अब तो पहचान ही लिए, जो टॉलिन टेस्ट दे या जो रिड्यूसिंग, जो टॉलिन और विनेडिक सोल्यूशन जो रिड्यूस कर दे रिएजेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, रिड्यूसिंग सुगर, और जो ना करे उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग सुगर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल में बात करूंगा, ठीक है, तो अगर हमें बात करें क्या, इफ इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स की बात करें, मोनोसैकेराइड्स, वेदर वेदर इट्स एल्डोज, एल्डोज मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, और कीटोज या उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स हो, ठीक है। अगर मैं कहा क्या, इफ द रिड्यूसिंग सुगर्स, ठीक है, वेदर एल्डोज हो या कीटोज हो, ठीक है, आर रिड्यूसिंग एज, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर। लेकिन अगर ये जो मोनोसैकेराइड्स का एल्डोज और कीटोज की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई हो, मतलब अगर इसी चीज को मैं हटा के कहूं, भले उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, लेकिन उनके जो ग्रुप है, जैसे कीटोज है, ठीक है, जो कीटोनिक ग्रुप हमारा है, इसको हम कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं, बहुत सही रहेगा, कीटोनिक ग्रुप, और यहां एल्डिहाइडिक ग्रुप ले लेता हूं, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो हो, अगर क्या हो, आर बॉन्डेड, अगर ये बॉन्डेड हो, फ्री स्टेज में ना पाया जाए, क्या हो, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, दस दस इट कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग सुगर, इन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग सुगर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें सुक्रोज, सुक्रोज को हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग में लेके हम लोग आते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, ये हम कुछ क्लासिफिकेशन में बात किया, तो मैंने पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बात किया, दूसरा मैंने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सुगर के बारे में बात किया, और सुगर और नॉन सुगर के बारे में बात किया, और एक लास्ट मेरा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो हम बात करें स्पेशली ये मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन,
अगर हम मोनोसेक्राइड्स में इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जब एक मोनोसेक्राइड्स के जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से पढ़ा जाएगा तब का उस पर। मेरी बात सबको समझ आ रहा बच्चों? तो ये हमारा पहला पार्ट इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, क्लासिफिकेशन। फिर हम आपको बताएंगे, इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात किया एक क्लासिफिकेशन और इसी में ऐड कर दे रहा हूं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन स्पेशली वो किसके लिए, मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। मोनोसैकेराइड्स के लिए हम स्पेशली लेके चलता हूं क्लासिफिकेशन, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स हमको डीपली में पढ़ना है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में बात करें तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में बात करें, जो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। एल्डोज का मतलब, एल्डोज ओस का मतलब होता है सुगर और एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड, मतलब दोस कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो उसे हम एल्डोज कहेंगे, मतलब प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है उस कंपाउंड में तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। और अगर मैं कहा इफ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोज। तो याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप द मोनोसैकेराइड्स हैव अ टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पहला एल्डोज कर सकते हैं और कीटोज कर सकते हैं। अगर एल्डोज के बेस में बात किया जाए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एल्डोज का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो। और अगर कीटोन, कीटोज का मतलब, देखो एल्डोज का वर्ड जो निकला है, अगर नाम है एल्डोज, ओज इज द केम फ्रॉम द सुगर, एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड से रिलेटेड या कार्बोहाइड्रेट जो हमारे रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो उसे हम एल्डोज कहते हैं। कीटोज, देखो देखो नाम है फ्रैक्टोज, ठीक है, मान नाम है ग्लूकोज, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर मैं बात किया क्या, फ्रैक्टोज, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट से मतलब रहेगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ये मतलब लैक्टोज, लैक्टोज इज द केम फ्रॉम द ओज, ओज इज द, जो ओज हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, सॉरी सफिक्स जो यूज कर रहे हैं, जो हम यहां सफिक्स ओज यूज कर रहे हैं, ये बताता है कार्बोहाइड्रेट को, ये क्या बताता है, कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उसे एल्डोज, अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उसे कीटोज कहते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, और अगर हम रिलेटेड बात करें इसी से, ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें थोड़ा सा और आते हैं इस पे, थोड़ा सा और फोकस कर देते हैं। अब इसका जो फोकस सबसे इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर लेके चलते हैं, तो फिर कहता है कि अगर पूरा क्लासिफिकेशन का, मतलब अब मोनोसैकेराइड से रिलेटेड एक और बता देता हूं, ठीक है, लास्ट इसका क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बात करिए मोनोसैकेराइड्स, हेडिंग डाल दे रहा हूं मोनोसैकेराइड से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा उसको, मोनोसैकेराइड से अगर रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड से अगर जो भी रिलेटेड हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने बात किया क्या, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप, और किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, अब इन देम, उसमें अगर प्रेजेंट हो तब, जैसे मैंने बोला एल्डोज कीटोज, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बना दे रहा हूं, ठीक है, इस चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अगर मैं चार्ट लेके चल रहा हूँ तो उस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे मैं डाल दे रहा हूं क्या, कार्बन एटम और उसका जनरल टर्म, जनरल टर्म। और यहां पे मैं डाल दे रहा हूं अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और इसमें मैं डाल रहा हूं कीटोनिक ग्रुप अगर हो। तो जैसे अगर कार्बन देखो, मिनिमम जो कार्बन होता है वो तीन कार्बन को होता है। ग्लिसरलडिहाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे छोटी अगर कार्बोहाइड्रेट बात करें तो ग्लिसरलडिहाइड सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो तीन कार्बन की चैन। अगर तीन कार्बन उसमें है तो उसका जनरली उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा ट्राइओज। ट्राई मतलब तीन, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो उसे कहेंगे ट्राइओज। लेकिन ऐसा तीन कार्बन की चैन जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्राइओज। उसका क्या नाम हो जाएगा, एल्डो ट्राइओज हो जाता है, नाम हो जाएगा एल्डो। लेकिन अगर उसमें तीन कार्बन की चैन तो है, लेकिन अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप होता तो इसका नाम हो जाता कीटो ट्राइओज। बात समझ आया, अगर मेरे पास चार कार्बन की चैन होता तो इसका नाम हो जाता क्या, टेट्रोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन चैन कितने है, चार, तो इसे टेट्रोज कहेंगे। लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन चैन चार है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो उसका नाम हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। क्या नाम हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो उसका नाम हो जाएगा क्या, कीटो टेट्रोज। एक अगर कार्बन चैन कितना हो जाए, पांच, तो इसको कहेंगे पेंटोज। और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डो पेंटोज। कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो पेंटोज। अगर हमारे पास जो ग्रुप है वो कितने होंगे, छह, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हो जाए, छह, तो अगर छह कार्बन हो जाता है तो इसको कहते हैं हेक्सोज। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसको कहेंगे एल्डो हेक्सोज। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज। आपको भी याद है कि जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये क्या है, इसे कहते हैं हम एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है। फ्रैक्टोज क्या है, फ्रैक्टोज भी एक हमारा कीटो हेक्सोज है। कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप है उसमें, और हेक्सोज मतलब हमारा उसमें छह कार्बन चैन पाए जा रहे हैं। बात यहां तक समझ आ रहा है बच्चों। अब यहां से हमारा क्या हुआ, इस पर अगर हम बात करें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड था, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, समझ लीजिए इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अभी तक जितना मैंने आपको क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं। जैसे आपसे कह दिया जाए कार्बन चैन पांच है, ठीक है, सॉरी एक कार्बन चैन छह है, और उसमें ठीक है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या होगा। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और उसमें अगर कीटोनिक ग्रुप आ जाए तो क्या नाम उसका होगा। तो पहला इतना ही तक वीडियो आपका रहेगा पहला, फिर उसके बाद आपको मैं दूसरा अपडेट करूँगा। तो तब के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।